हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग लैब टेस्टिंग। गाइस, आज हम बात करेंगे कि WMM, GSB, सबग्रेड और इमेंग बैंड के जो अपन बेड बनाते हैं साइड पे, उसका जो वाटर कंटेंट है गाइस, उसको वाटर का क्वांटिटी कैसे निकाले गाइस, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो अपन को क्वांटिटी निकालना आना चाहिए जो मटेरियल है उसका। तो सबसे पहले तो अपने क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे अपना WMM है, तो WMM हो या कुछ भी हो, ठीक है, मैं एग्जांपल आपको WMM के तौर पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला क्या है क्वांटिटी निकालने का, L×B×H। जैसे 100 मीटर अपना WMM का बेड है, 9 मीटर इसका विड्थ है और 0.25 मीटर अपना थिकनेस है, मतलब 250 mm अपना थिकनेस है। तो उसको तीनों को गुणा करेंगे तो 225 m³ अपना मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल का जो क्वांटिटी है वो। फिर अपना लैब का MDD के पास जाएंगे। जैसे लैब का MDD कितना है अपना गाइस, 2.298 और OMC अपना 5.17 है। उसके बाद अपन MDD को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए अपन मतलब कन्वर्ट किस में करेंगे, ठीक है, तो 2.298 ग्राम पर CC है और अपन MDD कन्वर्ट करेंगे kg/m³। फॉर्मूला क्या है, MDD×1000। जैसे 2.298 है, × 1000 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 2298 kg/m³। उसके बाद गाइस अपन आएंगे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल WMM kg/m³, ठीक है। m³ kg में निकालने के लिए अपन मटेरियल को क्या करेंगे गाइस, फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ m³। जैसे 225 अपना ये आया था क्वांटिटी, ठीक है, इसको गुणा करेंगे अपना जो MDD को कन्वर्ट किया था, ठीक है, MDD को अपने kg में कन्वर्ट किया था, तो 225×2298, तो ये अपना मटेरियल आ गया 517,050 kg/m³। उसके बाद अपन आएंगे NMC, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। जैसे 2% है, ये कहीं कहीं नहीं होता है तो अपन को डायरेक्ट पकड़ना है। अगर जहाँ पे अपन को मटेरियल चेक किया NMC कि नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कितना है, या फिर पहले से अपना मॉइस्चर उसमें ऐड है, ठीक है, और अपना रिक्वायर्ड अपना जैसे 5.17 है, तो उसमें अपन को NMC से माइनस कर लेना है, तो अपना पीछे क्या बचेगा, 3.17, ये अपना इतना परसेंट अपन को ऐड करना है, ठीक है गाइस। फिर अपन क्या करेंगे कि अपन को कैलकुलेशन ऑफ वाटर करना है, तो उसके लिए फिर अपन क्या करेंगे, kg अपना इतना है kg/m³, 517,050 × 3.17 परसेंटेज लगाएंगे। मैम वो सोई लो किसी भी चीज़ के लिए अपन को यही फार्मूला उपयोग में लेना है गाइस। तो अपना ये इतना kg/m³ आ गया। उसके बाद बारी आता है गाइस अपना वाटर रिक्वायर्ड फॉर इवापोरेशन। इसका मतलब होता है कि जो अपना वाटर है गाइस, अपन जब अपन उसमें मिक्स करते हैं मटेरियल में, या फिर अपना वाष्पीकरण या वातावरण के कारण जो वाटर उड़ जाता है, वो हम 5 से 10% के बीच में पकड़ते हैं। तो मैंने यहाँ 10% वो पकड़े हैं। वो किस चीज़ का पकड़े हैं, जो अपना वाटर आया है, जैसे 16,390 है, इसका 10% किया तो 1639 लीटर अपना वाटर इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और अलग से, क्योंकि इतना वाटर अपना वेस्ट हो जाता है। फिर अपना टोटल वाटर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 16,390 प्लस 1639 तो 18,029 kg/m³ या फिर liter/m³ अपना वाटर आ जाएगा 100 मीटर के बेड में। तो एक बार इसको वापस आप देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मेट है गाइस, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, क्योंकि इन्हीं फार्मूला के जरिए आप किसी भी चीज़ का वाटर आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न का, चाहे सबग्रेड हो या कुछ भी हो। और ये चीज़ अपने जो हाईवे में काम करते हैं अपने भाई, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और ऐसे आराम से देखोगे अगर पूरा वीडियो, तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता गाइस, बस MDD को kg में कन्वर्ट करना होता है और फिर उससे अपन को परसेंटेज निकालना होते हैं, बस सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।